दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों लाभा ब्लेज स्मार्टफोन का कैमरा टेस्ट और वीडियो टेस्ट करेंगे, देखेंगे इस फोन का कैमरा क्वालिटी कैसा है और दोस्तों ये फोन आप लेना चाहते हो कैमरे के लिए क्या आईफोन आपके लिए बेहतर होगा यानी इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इस फोन का कैमरा क्वालिटी कैसा है, आप सबको दिखाता हूँ। तो पहले यहाँ पे कैमरा सेटअप का बात करूँ तो पीछे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल, सेकंड कैमरा है 2 मेगापिक्सल और थर्ड कैमरा है 2 मेगापिक्सल। और यहाँ पे फ्रंट कैमरा का बात करूँ तो फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल। अब दोस्तों इस फोन से आपको लाइव पिक्चर क्लिक करके दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं इस फोन का पिक्चर क्वालिटी कैसा है, आप सबको दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ से कैमरा को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैमरा ओपन हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों पहले आपको HDR ऑन का फोटो क्लिक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए AI कैमरा ऑन है, तो चलिए यहाँ पे HDR को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे HDR में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो चलिए फोकस करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने से एक ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे नीचे करोगे तो ब्राइटनेस स्लो होगा, देखिए यहाँ पे ब्राइटनेस स्लो हो रहा है, और ऊपर करो तो ब्राइटनेस हाई होगा। इस तरह से इसको कस्टमाइज कर पाओगे ब्राइटनेस को। तो चलिए मैं डिफॉल्ट में रख देता हूँ, अब फोकस करो फोटो क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फोटो क्लिक हो चुका है। अब इस फोटो को ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्वालिटी कैसा आया है। तो इस पिक्चर क्वालिटी का बात करूँ तो पिक्चर क्वालिटी अच्छा देखने को मिल रहा है, एकदम शार्पनेस पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पिक्चर में जो कलर आ रहा है, कलर यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पिक्चर में ऑप्टिमाइज यहाँ पे हुआ है और डिटेलिंग भी काफ़ी सही इस पिक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस फोन से और एक पिक्चर कैप्चर किया हूँ, तो इस पिक्चर क्वालिटी का बात करूँ तो यहाँ पर अच्छे पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे HDR रेंज का बात करूँ तो काफ़ी अच्छा HDR रेंज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे कलर देखिए, कलर यहाँ पे बहुत ही अच्छा इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है। तो अब उस फोटो को आपको जूम करके दिखाएंगे उसका डिटेलिंग कैसा है। तो चलिए यहाँ पर जूम करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जूम करने से काफ़ी अच्छा आपको डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एकदम क्लीन शार्पनेस डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे आ रहा है, इस कैमरे के अनुसार डिटेलिंग काफ़ी सही यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए यहाँ से जाएंगे इस फोटो का डिटेल्स में, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो इस फोटो का साइज़ का बात करो तो साइज़ है 4.5 mm यहाँ पे ले रहा है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों इस फोन से आपको पोर्ट्रेट मोड से फोटो क्लिक करके दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे फोटो मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे नीचे रखिए लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एपर्चर लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, इस लेवल को बहुत ही आसानी से दोस्तों यहाँ पे कस्टमाइज कर पाओगे इस तरह से। तो चलिए मैं फोन में रख दिया हूँ, अब फोकस करें फोटो क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फोटो क्लिक हो चुका है। तो चलिए इस फोटो को ओपन करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्वालिटी कैसा आया है। तो इस पिक्चर क्वालिटी का बात करो तो यहाँ पे काफ़ी सही पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल रहा है और कलर भी यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड का बात करो तो यहाँ पे एकदम पोर्ट्रेट मोड काम नहीं किया है। तो अब इस फोटो को आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जूम करने से डिटेलिंग आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड देखिए एकदम काम नहीं किया है, पिक्चर एकदम ब्लर नहीं हुआ है, ये सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है। तो चलिए बैक करता हूँ, फिर से फोटो क्लिक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे इस लेवल को हाई करता हूँ, यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे एकदम नज़दीक से फोटो क्लिक करेंगे, तो चलिए यहाँ पे नज़दीक ले जाता हूँ। अब मैं फोकस करता हूँ, चलिए फोकस करके फोटो क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फोटो क्लिक हो चुका है। अब इस फोटो को ओपन करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे कैसा ब्लर हुआ है। पिक्चर कट का बात को तो पिक्चर कट में ठीक ठाक ही आया है, लेकिन यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड का बात को तो पोर्ट्रेट मोड उतना अच्छा से यहाँ पे काम नहीं किया है, यहाँ पे एवरेज काम किया है। और इस फोन से और एक फोटो क्लिक किया हूँ तो इस पिक्चर कट का बात को तो यहाँ पे ब्लर देखिए, ब्लर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे काम किया है। आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा तब यहाँ पे ब्लर काम करेगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्लर यहाँ पे काम किया है, मुझे काफ़ी पसंद है इस फोन का पोर्ट्रेट मोड। तो अब यहाँ से जाएंगे वीडियो में, तो चलिए वीडियो में क्लिक करता हूँ। यहाँ से जाएंगे सेटिंग्स पर, तो यहाँ पे देखिए वीडियो क्वालिटी, तो चलिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए CIF, VGA, HD और फुल HD का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप दोस्तों इस फोन से फुल HD से 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। तो लास्ट में आपको दिखाऊंगा इस फोन का वीडियो क्वालिटी कैसा है। तो चलिए ऐसे बैक करता हूँ, आप दोस्तों आपको दिखाता हूँ इस फोन का फ्रंट कैमरा क्वालिटी कैसा है। तो चलिए देखते हैं फ्रंट कैमरा क्वालिटी कैसा है। तो चलिए ऐसे कैमरा को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैमरा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए HDR और AI का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए पहले फोटो क्लिक कर लेता हूँ, फोकस करता हूँ फोटो क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फोटो क्लिक हो चुका है। तो चलिए इस फोटो को ओपन करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्वालिटी कैसा आया है। तो इस पिक्चर कट का बात करो तो पिक्चर कट यहाँ पे काफ़ी सही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कलर देखिए, कलर यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, 8 MP के अनुसार पिक्चर कट यहाँ पे काफ़ी अच्छा आ रहा है और डिटेलिंग भी काफ़ी सही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अब इस फोटो को आपको जूम करके दिखाएंगे इसका डिटेलिंग कैसा है। तो चलिए यहाँ पे जूम करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जूम करने से काफ़ी सही आपको यहाँ पे डिटेलिंग देखने को मिल जाएगा,
यहाँ पे देखिए डिटेलिंग बहुत ही अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे कलर देखिए, कलर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा आया है। और यहाँ पे देखिए एकदम क्लीन फोटो देखने को मिल रहा है, एक्चुअल फोटो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इस कैमरे के अनुसार पिक्चर क्वालिटी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो चलो यहाँ से जूम आउट करता हूँ, यहाँ से जाएंगे इस फोटो का डिटेल्स में, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो इस फोटो का साइज़ का बात करो तो साइज़ है 3.3 MB यहाँ पे ले रहा है। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों इस फोन से पोर्ट्रेट मोड से फोटो क्लिक करके देखेंगे तो सिलेक्ट कर ले। तो अब यहाँ पे फोटो क्लिक करता हूँ, फोकस हो चुका है। तो चलिए फोटो क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर कैप्चर हो चुका है। तो चलिए इस फोटो को ओपन करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्वालिटी कैसा आया है। तो इस पिक्चर कार्ड का बात करो तो पिक्चर कार्ड अच्छा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड का बात करो तो पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छे से काम किया है यहाँ पे, मुझे काफ़ी पसंद आया। यहाँ पे ब्लर को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है, मुझे बैक कलर से फ्रंट कलर का पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छा लगा। आपको कौन सा फोटो अच्छा लगा आप नीचे कमेंट में से जरूर बताना। तो अब इस फोटो को जूम करता हूँ, देखता हूँ डिटेलिंग कैसा आया है। तो यहाँ पे देखिए जूम करने से काफ़ी सही आपको डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एकदम क्लीन डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड का बात को देखिए, पोर्ट्रेट मोड बहुत ही अच्छे से काम किया है, मुझे काफ़ी पसंद आया। यहाँ पे कैमरा में देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे ब्लर हुआ है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है पोर्ट्रेट मोड को, फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट बहुत ही अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब यहाँ से बैक करता हूँ, अब जैसे ब्यूटी से फोटो क्लिक करके देखेंगे तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं ब्यूटी। तो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ब्यूटी का ऑप्शन बहुत सारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे लेबल भी देखने को मिल जाएगा, लेबल को बहुत ही आसानी से यहाँ पे कस्टमाइज कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए मैं ऑटो में रख देता हूँ। अब चलिए फोकस कर फोटो क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फोटो क्लिक हो चुका है। तो चलिए इस फोटो को ओपन करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्वालिटी कैसा आया है। पिक्चर कार्ड का बात करो तो पिक्चर कार्ड हमें ठीक ठाक ही आ रहा है। और हमें ब्यूटी का बात करो तो ब्यूटी बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए चेहरे पे बहुत ही अच्छा ब्यूटी हमें कस्टमाइज हुआ है, मुझे काफ़ी पसंद आया इस फोन का ब्यूटी, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है ब्यूटी। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ, यहाँ से जाएंगे वीडियो में, यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स यहाँ पे वीडियो क्वालिटी में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे सेम ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, CI, VGA, HD और फुल HD आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फोन कैमरा से दोस्तों आप 30 FPS में फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। और दोस्तों इस फोन से आउटडोर में और भी पिक्चर कैप्चर की हूँ वो देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा इस फोन का पिक्चर क्वालिटी कैसा है। तो चलिए आप सबको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस फोन का पिक्चर क्वालिटी कैसे लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताना। अब दोस्तों दिखाऊंगा इस फोन का वीडियो क्वालिटी, तो चलिए देखते हैं इस फोन का वीडियो क्वालिटी कैसे आप सबको दिखाता हूँ। और ये वीडियो दोस्तों रियर कैमरे से 1080 पिक्सल से 30 FPS से शूट हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्वालिटी का बात करो तो यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी सही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कलर देखिए, कलर काफ़ी अच्छा यहाँ पे आ रहा है इस वीडियो में। और यहाँ पर भी दोस्तों कोई माइक नहीं यूज़ करते, साउंड क्वालिटी आप देख लेना, साउंड क्वालिटी यहाँ पर भी कैसे आ रहा है। तो क्वालिटी देखिए, क्वालिटी यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये वीडियो दोस्तों शूट हो रहे फ्रंट कैमरे से 1080 पिक्सल से 30 FPS पे। यहाँ पे ऐसे क्वालिटी का बात करो तो क्वालिटी ठीक ठीक ही आ रहा है, ज़्यादा अच्छा यहाँ पे नहीं होगा तो क्वालिटी ठीक ठीक ही आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे कोई माइक नहीं यूज़ करो तो साउंड क्वालिटी आप देख लेना, साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो क्वालिटी की बात करो क्वालिटी यहाँ पे एवरेज क्वालिटी देखने को मिल रहा है। तो अब दोस्तों इस फोन का ओवरऑल कैमरा क्वालिटी का बात करो तो इस फोन का कैमरा क्वालिटी काफ़ी सही है। आपका बजट 9K से 8K है तो आप ये फोन ले सकते हो, आपको ये फोन निराश नहीं करेगा, कैमरा क्वालिटी इसमें काफ़ी सही दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना। और दोस्तों लाभा ब्लेज रिलेटेड को भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। तब तो जैन वंदे मातरम।